क्वेश्चन नंबर वन, डीकेड काउंटर परिपथ में कितने फ्लिप फ्लॉप होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। इसका आंसर है ऑप्शन डी 4। क्वेश्चन नंबर टू, निम्नलिखित में से किस मल्टी वाइब्रेटर को फ्री रनिंग मल्टी वाइब्रेटर भी कहा जाता है? ऑप्शन ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, ऑप्शन बी स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, ऑप्शन सी बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, ऑप्शन डी स्टेबल एवं बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर दोनों। इसका आंसर है ऑप्शन ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। क्वेश्चन नंबर थ्री, आवृत्ति में 10 गुना परिवर्तन निम्न के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए कट ऑफ फ्रिक्वेंसी, ऑप्शन बी लाभ, ऑप्शन सी डेसिबल, ऑप्शन डी दशक। इसका आंसर है ऑप्शन डी दशक। क्वेश्चन नंबर फोर, एक कॉम्बिनेशनल परिपथ होता है जिसमें निर्गत खाली स्थान पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए वर्तमान इनपुट कॉम्बिनेशन तथा पिछला निर्गत, ऑप्शन बी वर्तमान तथा पिछला निर्गत, ऑप्शन सी उस समय पर इनपुट कॉम्बिनेशन, ऑप्शन डी वर्तमान इनपुट कॉम्बिनेशन तथा पिछला इनपुट कॉम्बिनेशन। इसका आंसर है ऑप्शन सी उस समय पर इनपुट कॉम्बिनेशन। क्वेश्चन नंबर फाइव, एक एसआर फ्लिप फ्लॉप को किसके संयोजन से जेके फ्लिप फ्लॉप में बदला जा सकता है? ऑप्शन ए एस इज इक्वल टू जे क्यू बार, आर इज इक्वल टू के क्यू, ऑप्शन बी एस इज इक्वल टू जे क्यू बार, आर इज इक्वल टू क्यू, ऑप्शन सी एस इज इक्वल टू जे, आर इज इक्वल टू के, ऑप्शन डी एस इज इक्वल टू जे क्यू, आर इज इक्वल टू के क्यू बार। इसका आंसर है ऑप्शन ए एस इज इक्वल टू जे क्यू बार, आर इज इक्वल टू के क्यू। क्वेश्चन नंबर सिक्स, एक जेके फ्लिप फ्लॉप को किसके संयोजन से टी फ्लिप फ्लॉप में बदला जा सकता है? ऑप्शन ए जे टू क्यू, ऑप्शन बी के टू क्यू, ऑप्शन सी जे टू के, ऑप्शन डी जे टू क्यू बार। इसका आंसर है ऑप्शन सी जे टू के। क्वेश्चन नंबर सेवन, ऋणात्मक कोर ट्रिगर डी फ्लिप फ्लॉप के कार्य को निम्न में से कौन अच्छे तरीके से व्याख्या करता है? ऑप्शन ए क्यू आउटपुट में डी इनपुट के समान होता है, ऑप्शन बी सी एल के एन जी टी पर डी इनपुट का लॉजिक लेबल क्यू पर स्थानांतरित किया जाता है, ऑप्शन सी यदि डी इनपुट उच्च है तो क्यू आउटपुट हमेशा सी एल के इनपुट के समान होता है, ऑप्शन डी सी एल के इज इक्वल टू पी जी टी तो क्यू आउटपुट हमेशा डी इनपुट के समान होता है। इसका आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर एट, एक 4 बिट 16 रिपर काउंटर जेके फ्लिप फ्लॉप का प्रयोग करता है, यदि प्रत्येक फ्लिप फ्लॉप का विक्षेपण विलंब 50 नैनो सेकेंड हो तो अधिकतम क्लॉक आवृत्ति किसके बराबर होगी? ऑप्शन ए 20 मेगाहर्ट्ज़, ऑप्शन बी 10 मेगाहर्ट्ज़, ऑप्शन सी 8 मेगाहर्ट्ज़, ऑप्शन डी 5 मेगाहर्ट्ज़। इसका आंसर है ऑप्शन डी 5 मेगाहर्ट्ज़। क्वेश्चन नंबर नाइन, एक क्रमदार मशीन की क्रमतर स्टेट टेबल में 7 कतारें हैं, मशीन को सक्रिय करने हेतु कितने फ्लिप फ्लॉप की आवश्यकता होगी? ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 7। इसका आंसर है ऑप्शन सी 3। क्वेश्चन नंबर 10, एक 4 चरण वाले रिपर काउंटर में एक फ्लिप फ्लॉप के प्रसारण में विलंब 50 नैनो सेकेंड है, यदि स्ट्रोब की पल्स की चौड़ाई 30 नैनो सेकेंड है तो अधिकतम आवृत्ति क्या होगी जिस पर काउंटर स्थिरता से कार्य करता है? ऑप्शन ए 3 मेगाहर्ट्ज़, ऑप्शन बी 4 मेगाहर्ट्ज़, ऑप्शन सी 3.35 मेगाहर्ट्ज़, ऑप्शन डी 4.85 मेगाहर्ट्ज़। इसका आंसर है ऑप्शन सी 4.35 मेगाहर्ट्ज़।